ऑपरेशन समाज कल्याण के जरिए आज खबर अब तक एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज हम अपने इस खुलासे से गरीबों, दलितों, शोषितों और असहायों को लूटने वाले दलालों और अफसरों को बेनकाब करेंगे। ऑपरेशन समाज कल्याण में सबसे पहले हम आपको गोरखपुर जिले के गोला ब्लॉक के गोपालपुर गांव का हाल दिखाने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार सालों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गोपालपुर गांव के 46 लाभार्थियों को अनुदान दिया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जो शासनादेश मौजूद है उसके मुताबिक इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को 30,000 रुपए एक मुश्त आर्थिक सहायता दिया जाता है। इस शासनादेश में साफ तौर पर लिखा है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक साल के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। खबर अब तक की टीम ने जब गोपालपुर गांव के 46 लाभार्थियों की तलाश शुरू की तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। इस गांव के रहने वाले गया प्रसाद दुबे बैंकॉक रहते थे और वहीं पर वर्ष 2008 में उनकी मौत हो गई। जबकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गया प्रसाद दुबे की पत्नी गायत्री दुबे को वर्ष 2019-20 का लाभार्थी बताया गया है। इस योजना में आवेदन के दौरान जो दस्तावेज लगे हैं उसमें गया प्रसाद दुबे की मृत्यु की तिथि 10 फरवरी 2019 अंकित है। सरकारी आंकड़े यह दावा कर रहे हैं कि गया प्रसाद दुबे की पत्नी गायत्री दुबे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की लाभार्थी हैं और वर्ष 2019 से 20 में इनको 30,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी तरह गोपालपुर गांव के सीकरचंद्र वर्मा कारोबारी थे और उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2009 को ही हो गई थी। जबकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सीकरचंद्र वर्मा की पत्नी दमयंती को वर्ष 2019-20 का लाभार्थी बताया गया है। इस योजना में आवेदन के दौरान जो दस्तावेज लगे हैं उसमें सीकरचंद्र वर्मा की मृत्यु की तिथि 11 सितंबर 2018 अंकित है। सरकारी आंकड़े यह दावा कर रहे हैं कि सीकरचंद्र वर्मा की पत्नी दमयंती राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की लाभार्थी हैं और वर्ष 2019-20 में इनको 30,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। खबर अब तक की टीम को इस गांव में कई ऐसे लोग मिले हैं जिनकी मृत्यु 15-20 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन दलालों ने अफसरों के साथ मिलकर उनके परिजनों को भी इस योजना का लाभार्थी बना दिया है। सच यह है कि गरीबों के कल्याण के लिए बनी यह योजना दलालों और अफसरों के कल्याण की योजना बनकर रह गई है। खबर अब तक के खुफिया कैमरे के सामने इस गांव के कुछ लाभार्थियों ने जो सच बताया है उसे आप भी सुन लीजिए। सेवाती देवी आपका नाम है ना? आपके पति राम वृक्ष मौर्य, राम वृक्ष मौर्य के पिता का नाम झगरू, ठीक है? तो ये खोजल जाता, कितना साल भइल मरले? अरे भइल 18-19 साल ले। 18-19 साल हो गए? अरे आपके पति के मरले, मैंने राम वृक्ष मौर्य के मरले, कितना? 5 साल। 5 साल तो कितना आयल है आपके अकाउंट में? 30,000 आयल है। ठीक है, तब निकलो ना हमसे। हाँ, तो 10,000 हमके देने, 20,000 पहले ले लेंगे। तो 20,000 कहाँ है, उनके दे देने? तो ले लेना, कहना हमके दे दा। अरे हमारे विजय के लड़का हो, कहना 10,000 तुम्हारा, 10,000 20,000 हमारा, कहाँ का करे? कैसे क्यों करो फोटो दे दे, पैसा मिले।
पूछबो कनी कने आ जाय आइ तब बताय आइ तब बताय आइ तक तो खातिर 30,000 आइल बा तब 20,000 हमार भेल 10,000 तो के पेन काहे तना तो थक ना है हम यहां दौड़नी था हमार ना होला तो खर्च के 10,000 मिल गई कितना दिन पहले अरे साल भर से ऊपर अच्छा 20,000 आइल है 20,000 तो का भेल फिर तो 20,000 में उलो 10,000 ले ली है लोग के लोग जो एक ठेकार एक लड़का है अच्छा वही भर अच्छा वही भरवाए थे हाँ। तो 10,000 तो 10,000 ले लिए 10,000 रुपया में दिए अच्छा हाँ। देखिए हम जो रहता है झूठ बोलते वही 20,000 आपका आया नहीं बोलते जो सच है सच वही 20,000 आया है वही 20,000 और कौन उसकी बात कोई सामने नहीं है उसके पहले या बाद में कोई नहीं है तो वो 10,000 वो ले लिए 10,000 ले लिए हमको कोई मदद ही नहीं मिल रही है तो हम क्या करें क्यों कागज भरवाए जब बीच ही में खा जाते हैं सब लोग अच्छा हाँ इसीलिए हम नहीं कोई काम करते हैं कहते हैं चलो अपना मजूरी करके खाए अच्छा अच्छा मतलब जो मालिक का अगर फार्म भराएगा तो जो भरवाता है वो पैसा खा लेता है हाँ। इसीलिए हम जान गए कि जब ये लोग 10,000 ले लिया तो हमारे का फायदा होगा क्या बच्चे की खिलाई क्या अपने आप पर लगाएगी तो इसीलिए हम नहीं भरवाते हैं पिताजी 2009 में मरे थे 2009 में मरे थे तो आप मृतक वाले में आवेदन कब किए 10 में किए हैं मरने के वही 5 महीना बाद आवेदन किया आवेदन किए थे तब कितने दिन बाद आया अरे वही साल भर मान के चलिए यानी 2011 में आपका 11 में पैसा आया था 20,000 आया 2011 में ठीक ना वही आया था ना उसी में 10,000 आपको मिला था 10,000 निकाल के 10,000 अगला लिया उसके बाद और कोई पैसा नहीं आया नहीं नहीं 2011 में आया था ये करंट की बात हो रही है तो यही है जब गैस फैस का ये सब दूसरा कौन पैसा नहीं 30,000 इधर कोई पैसा नहीं आया अभी चेक नहीं बाबा खाता चेक करा नहीं इधर नहीं आया अभी इधर नहीं अकाउंट मतलब चेक कराए कितना मशीन खराब है ये है वो है बैंक अरे तब वो बैलेंस तो आपको मल में हो जाता होगा 30,000 आएगा तो 30,000 तो हम चढ़वा देंगे सामने रहते बैंक एक बार पूरा आप जो है प्रिंट करा लीजिए देखिए 30,000 आया है कि नहीं आया ठीक ना 30,000 आया कि नहीं